हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। एक लंबे संघर्ष और एक लंबे इंतजार के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद, आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई और बायोलॉजी विषय को टीजीटी में शामिल कर लिया गया। इससे खुशी वाली बात और हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही सच्चे मन से, एक लगन से, बहुत ही कठिन परिश्रम किया टीजीटी में बायोलॉजी विषय को शामिल करने के लिए, और अंततः विज्ञापन आया और हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया। दोस्तों, अभी तक हमारी तैयारियां कहीं ना कहीं शिथिल हो गई थी कि पता नहीं विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा। इसी सोच में हम लोग अपनी तैयारियों को भी रोक दिए थे। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अधिक सीटों के साथ, यानी कि जो विज्ञापन आपका आया हुआ है, वैकेंसी इतनी अधिक है कि आप सभी को अब शिथिल होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से अपनी ऊर्जा को एकत्रित करिए, पूरी स्टेमिना को एकत्रित करिए और लग जाइए दोस्तों, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा बायोलॉजी टीजीटी के लिए दोस्तों मेल के लिए 693 और फीमेल के लिए देखिए 42, और अगर हम बात करें पीजीटी बायोलॉजी, यहां देखिए मेल के लिए 108 दोस्तों और फीमेल के लिए 6 सीटें, यानी कि बंपर वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल है। तो दोस्तों, आप जो भी अब तक लापरवाही कर किए हुए हैं या जो भी आपके अंदर शिथिलता थी, उसको त्यागिए और एक बार फिर से अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित करिए और लग जाइए। और दोस्तों, आपको आपकी सफलता में एक छोटा सा प्रयास मेरा भी रहे, इसके लिए संस्थान के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी के लिए बायोलॉजी विषय का एक शानदार बैच चलाया जा रहा है, और जिसमें प्रवेश लेने के लिए आपको टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी लिख करके आपको मैसेज करना होगा 83 85 96 94 इस नंबर पर। और अगर दोस्तों आपको बैच से संबंधित कोई भी क्वेरी अगर आपको लेनी हो या कोई बातचीत करनी हो, कहीं पर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो सिलेबस के विषय में या कोई समस्या हो, तो आप दिए हुए नंबर पर 10 बजे से शाम 6 बजे तक फोन करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा विषय पढ़ेंगे यहाँ पर, बायोलॉजी विषय का। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं अपने शरीर में केमिकल कोऑर्डिनेशन को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में समन्वय और नियंत्रण होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं जो एक साथ मिल करके कार्य करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना फंक्शन करते हैं। जैसे कि आप देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, हमारी आंखें हैं, जीभ है, माउथ है, हाथ है, अंदर दोस्तों हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, बहुत सारे ऑर्गन है, बट सारे ऑर्गन एक साथ फंक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य करते हैं। दोस्तों, इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय। हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है। आपको पता होगा कि एक होता है कोऑर्डिनेशन बाय नर्वस सिस्टम, और दोस्तों एक होता है कोऑर्डिनेशन बाय केमिकल। तो दोस्तों, हम कहते हैं कि जब हमारे शरीर के सारे फंक्शन, हमारे शरीर के सारे प्रोसेस जब नर्व सेल के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नर्व कोऑर्डिनेशन। और यही प्रक्रिया जब केमिकल के थ्रू कंप्लीट होती है, यानी जब हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस, सारे फंक्शन, सारे कार्य ऑर्गेनाइज्ड वे में जब किसी केमिकल के थ्रू होते हैं, तो इसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और दोस्तों, जब हमारी, अगर हम बात करें यहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन की, या अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर नर्व कोऑर्डिनेशन की, एक छोटा सा डिफरेंट बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। और आज हम लोग यहां पर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे यहां पर कि केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, हार्मोन का केमिकल नेचर क्या होता है। आपने सुना होगा यहां से बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, जैसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, या 4S ग्लैंड कौन सी है, इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है, या ग्लैंड इन ग्लैंड कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड किसे कहते हैं। आप यहां पर पढ़ेंगे दोस्तों मिल्किंग हार्मोन कौन सा होता है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा होता है, चाइल्ड बर्थ हार्मोन कौन सा है, यहां बहुत सारे पॉइंट्स, फ्री ऑफ हार्मोन कौन सा है, ये सारे पॉइंट हम समझेंगे। और दोस्तों, हार्मोन कितने प्रकार का होता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए टीजीटी और पीजीटी के लिए बायोलॉजी विषय का एक टॉपिक शुरू करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो
दोस्तों हमें पता है कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी अंग हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन हो चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो, सभी ऑर्गन एक दूसरे के साथ तालमेल स्थापित करके समन्वय बना करके कोऑर्डिनेशन करते हैं और एक साथ दोस्तों ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य करते हैं। तो जब हमारे शरीर के सारे फंक्शन, सारे कार्य, डिफरेंट फंक्शंस जब न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बाय नर्वस सिस्टम। और जब हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन किसी केमिकल के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं तो इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों हमारा आज का विषय रहेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन को शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे शरीर में समन्वय कैसे कैसे होता है और क्या होता है। जैसे आप सोचिए, आप बाइक चलाते हो तो आपका हाथ ब्रेक पर होता है, सामने क्लच आपके हाथ में होता है, दोस्तों आपके पैर के पास गियर होता है, आंखें सामने देखती हैं, कान अगल बगल की बातों को सुनता है और आप सामने की ओर जाते हैं। तो इतने साथ आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन कार्य कर रहे हैं, आपकी बॉडी के सारे अंग नियंत्रण में हैं और एक साथ समन्वय स्थापित करके कार्य कर रहे हैं, इसी को हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहते हैं। तो दोस्तों जब हमारी बॉडी के सारे फंक्शन केमिकल के थ्रू कंट्रोल होते हैं तो इसको हम दोस्तों कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और जब हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं तो इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों यहां देखिए दो प्रकार का कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो हम पहले क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे समन्वय को, यानी पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन। दोस्तों पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम समझेंगे समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कितने प्रकार दोस्तों हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है। तो आप बहुत इत्मीनान समझिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों वह परीक्षा इतनी भी आसान नहीं है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर एक कौन सा होता है, यहां पर एक हम कह सकते हैं कि एक होता है कोऑर्डिनेशन बाई नर्वस सिस्टम और एक कहते हैं कोऑर्डिनेशन बाई केमिकल इन द सेंस कि यहां हार्मोन नाम देंगे हम, और इसके विषय में कोई डाउट नहीं है दोस्तों, हम क्या बोलेंगे यहां पर हार्मोन नाम देंगे। देखिए तो अगर हम बात करें कि यहां पर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेशन दोस्तों कहेंगे कंट्रोल के लिए, इसमें क्या होता है, इसमें कंट्रोल के लिए, फॉर द कंट्रोल, कंट्रोल के लिए न्यूरॉन होते हैं, और यहां दोस्तों हम कहेंगे कंट्रोल के लिए यहां पर क्या होंगे, कंट्रोल के लिए यहां पर केमिकल होते हैं। और अगर बात करें हम न्यूरॉन की, तो जो न्यूरॉन की सर्विस होती है वो फास्ट होती है, फास्ट सर्विस देता है दोस्तों। और अगर हम बात करें यहां पर केमिकल की, तो थोड़ा सा स्लो सर्विस देता है, अकॉर्डिंग टू न्यूरॉन स्लो सर्विस देता है। और सर्विस देने में दोस्तों यहां जो न्यूरॉन है ये डिले नहीं करता, नो डिले, कोई डिले सर्विस नहीं होती। और यहां दोस्तों कहते हैं कि डिले सर्विस होती है जब केमिकल के थ्रू कोऑर्डिनेशन हमारा होता है। यहां पर एक पॉइंट देखिए, तो यहां दोस्तों न्यूरॉन होता है वो सेल टू सेल सर्विस देगा, यानी कि इस कोशिका से कोशिका तक दोस्तों, और ये ब्लड के द्वारा सर्विस देता है दोस्तों, थ्रू द ब्लड। यही कारण होता है जो न्यूरॉन होता है वो हमारी कोशिका के अंदर नहीं पहुंचता है, यानी हर कोशिका में नहीं पहुंच पाता। जैसे आप सपोज करिए यहां बहुत सारी सेल्स हैं,
आप जरा सोचिए, इमेजिन करो दोस्तों, बहुत सारी कोशिका यहां पर इस प्रकार से हैं, तो यहां जो न्यूरॉन होता है दोस्तों ये क्या करेगा, बाहर कोशिकाओं के आउटर पार्ट में दोस्तों यहां पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर केमिकल की, तो जो केमिकल होता है वो कोशिका के बिल्कुल अंदर पहुंच जाता है ब्लड के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन सेल के भीतर नहीं पहुंचता दोस्तों, यहां हम कह सकते हैं कि सेल के भीतर पहुंचकर अपना फंक्शन ये शुरू कर देता है। तो सेल के भीतर पहुंच करके अपना ये फंक्शन शुरू कर देता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये थोड़ा स्लो होता है अकॉर्डिंग टू न्यूरॉन, इसके विषय में बातचीत करेंगे। और देखिए दोस्तों, तो हमारा जो आज का विषय रहेगा वो यही है केमिकल कोऑर्डिनेशन दोस्तों, यानी कि बॉडी का जो समन्वय है वो किसके माध्यम से करेंगे हम, रासायनिक पदार्थों के माध्यम से करेंगे। तो अगर हम बात करें यहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो किसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो आप सभी ने अब तक यहां पर देखा कि इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट हमने समझे, लेकिन दोस्तों हम कहते हैं अगर परिभाषा देनी होगी तो आप डायरेक्टली बस यही बोल सकते हैं कि जब हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन, जब हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड वे में एक साथ कार्य करे और किसी केमिकल के कारण ऐसा हो, तो इसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। दोस्तों कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी इन रिस्पॉन्स टू केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, दैट इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन कह देते हैं। इस बात को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर हम बात यहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होते होंगे, ऐसा कोई ना कोई ऑर्गन तो होता होगा जो केमिकल को सिक्रीट करता होगा, जो केमिकल को प्रोड्यूस करता होगा। और इन्हीं केमिकल को प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं, उन ऑर्गन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंड किसे कहते हैं, केमिकल को सिक्रीट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम कहते हैं ग्लैंड, ठीक है ना। यहां पर क्या बोलेंगे, ग्लैंड यानी कि ग्रंथियां, इसको हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, ग्रंथियां कहते हैं, यानी गांठे कहते हैं। कहते हैं कि केमिकल को सिक्रीट करने वाले स्ट्रक्चर्स, केमिकल को सिक्रीट करने वाले ऑर्गन क्या कहलाते हैं, ग्लैंड कहलाते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, ऐसे ऑर्गन जो इन केमिकल को सिक्रेट करता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उन ऑर्गन्स को हम ग्लैंड्स कहते हैं। अब ग्लैंड्स कैसे बनती है दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है। कहते हैं यहां पर ग्लैंड इज द यूनिट्स ऑफ, दोस्तों ग्लैंड इज द मेडअप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आप जानते हैं टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह। हमारी बॉडी में चार प्रकार का टिश्यू होता है। पहला मस्कुलर टिश्यू, आप जानते हैं मसल्स बनती है दोस्तों। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड बनती है, बोन बनती है, लिगामेंट्स बनते हैं दोस्तों। एक होता है नर्व टिश्यू, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, और एक एपिथेलियल टिश्यू। तो हम यहां पर कह सकते हैं ग्लैंड मेडअप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। दोस्तों ग्लैंड होती है वो कैसे बनती है, यहां पर आप बोल सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू
एपिथेलियल टिश्यू से निर्मित। अब ये एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में करता क्या है दोस्तों? अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो हमारी बॉडी में दोस्तों बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और ये फंक्शन को कौन कंप्लीट करता है तो हम दोस्तों कहते हैं यहां पर एपिथेलियल टिश्यू करता है। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन, ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जिनको एपिथेलियल टिश्यू कर लेता है दोस्तों? हम कहते हैं जैसे क्या होता है, एक होता है प्रोटेक्शन। हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो आपने देखा होगा, आप जानते होंगे भली प्रकार से कि हमारे शरीर में जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के चारों ओर की जो लेयर होती है दोस्तों वो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन दोस्तों किस चीज की होती है? वो होती है एपिथेलियल टिश्यू की दोस्तों। और क्या होता है, और इनका फंक्शन दोस्तों क्या होता है? सिक्रीशन, यानी दोस्तों ये सिक्रीशन भी करते हैं, और इनका कार्य होता है एक्सक्रीशन दोस्तों, ये एक्सक्रीशन भी करते हैं। हमारी बॉडी में जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, एक्सक्रेशन दोस्तों करते हैं, और यहां हम कहेंगे साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। क्या करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये फिल्ट्रेशन भी करते हैं, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन दोस्तों करते हैं, डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, डिफ्यूजन में भी ये हेल्प करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी में हैं जो एपिथेलियल टिश्यू इसको संपन्न करते हैं दोस्तों। हम इसी की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें यहां पर ग्लैंड की, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे ग्लैंड कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? केमिकल। देखिए अगर ग्लैंड की बात करी जाए दोस्तों, डायरेक्टली हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, ग्लैंड दोस्तों तीन प्रकार की होती है। ग्लैंड का मतलब ग्रंथियां। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों मैंने यहां पर क्या बताया आप सभी को, ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। अगर ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं तो कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, ये तो हम जान गए कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो केमिकल सिक्रेट करती हैं, ये तो हमें पता चल चुका है। अब ये ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है दोस्तों? हमारी पूरी बॉडी में तीन प्रकार की ग्लैंड, तीन टाइप की ग्लैंड पाई जाती है। आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। दोस्तों यहां पर देखिए जो ग्लैंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका मतलब होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन ग्लैंड दोस्तों इसमें सेकंड क्या होती है? वाह स्रावी ग्रंथि, वाह स्रावी, वाह स्रावी ग्रंथि, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड दोस्तों थर्ड्स क्या होती है जिसको हम कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि, या इसको हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड। देखिए आप निश्चिंत रहिए, यहां पर जो भी आपको बताया जाएगा वो चीजें बाइलैंगुअल रहेंगी। आपकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं सिलेबस केवल हिंदी में रहेगा या केवल अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, बाइलैंगुअल आपको यहां पर पढ़ाऊंगा मैं। यहां पर जो आप हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो दो द्विभाषी होगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, जैसा कि आप यहां पर अभी भी देख पा रहे होंगे। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों वो कैसे कर रहे हैं? वो दोनों लैंग्वेज में कर रहे हैं। यहां देखो जो एक्सोक्राइन, जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं ये ऐसी ग्लैंड होती है जो डक्टलेस होती है, डक्टलेस होती है, डक्टलेस। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं ये विथ डक्ट होती है, विथ डक्ट। एक विदाउट डक्ट और एक विथ डक्ट। दोस्तों यहां पर हम क्या बोलते हैं? ये बोथ, बोथ, यानी कि दोनों। इसमें हम दोनों कह सकते हैं, दोनों के बीच का होता है, बोथ होता है। अगर दोस्तों हम यहां समझे इस बात को, यहां जो विथ डक्ट है जरा इसको देखिए। जैसे आप सपोज करिए कि जब हमें गांव में कभी सिंचाई करनी होती थी पहले, तो जैसे मान लीजिए हमने आम का पेड़ लगा दिया, ऐसे एक पेड़ यहां लगाया, एक पेड़ यहां लगाया और एक पेड़ यहां दोस्तों लगा दिया है, ठीक है, एक पेड़ यहां लगा दिया है। ऐसे हमने आम का पेड़ लगाया हुआ है, ढेर सारे आम के पेड़ लगाए हुए हैं ऐसे,
ऐसे लगाए हुए ऐसे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिंचाई करनी है, हमें सिंचाई करनी है। और यहां देखिए हमारा जो पंपिंग सेट है वो कहां पर है, यानी कि यहां पर है। दोस्तों हम क्या करते हैं, जब यहां पर पानी निकल रहा है और जब पानी को पूरा हम छोड़ देते हैं और पानी बिल्कुल एक साथ आता है और पूरा इसको अच्छे से दोस्तों क्या करता है, फ्लो कर देता है एकदम एक साथ। कहीं पर हमने देखा नहीं किसको क्या करना, कुछ नहीं दोस्तों, एक साथ पूरा पानी हमने फ्लो करा दिया। तो यहां बिल्कुल जो फंक्शन, यहां आप देखेंगे यहां जो फंक्शन होता है इंडोक्राइन ग्लैंड का दोस्तों कुछ ऐसे ही होता है, क्योंकि ये अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट कहां भेजती है दोस्तों, डायरेक्ट ब्लड में भेज देती है जिससे वह पूरी बॉडी में फैल जाते हैं बहुत तेजी के साथ। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो यहां आप जरा एक बात और समझिए, जैसे आपने क्या किया, आपने जब यहां पर वाटर सप्लाई दी तो पाइप के माध्यम से दोस्तों क्या किया, पाइप के माध्यम से पानी को जहां चाहते थे यानी टारगेट ऑर्गेन तक पहुंचा दिया, टारगेट ऑर्गेन तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों जब हम यहां जो वाहश्रावी ग्रंथियां होती हैं ये अपने सिक्रेशन को टारगेट ऑर्गेन तक पहुंचाती हैं थ्रू द डक्ट, यानी डक्ट के द्वारा, इनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों ऐसी ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को, मान लीजिए अब ये ग्लैंड दोस्तों कोई है, ये ग्लैंड क्या करेगी, ये ग्लैंड अपने सिक्रेशन को सीधा कहां पर दोस्तों, सीधा ब्लड में भेजती है, कहां भेजती है, ये सीधा ब्लड में भेज देती है और इसका सिक्रेशन बहुत तेजी के साथ बॉडी में फैल जाता है थ्रू द ब्लड। लेकिन अगर यहां पर हम देखें दोस्तों, यहां पर सपोज करिए कि यहां पर ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड करती क्या है दोस्तों, ये ग्लैंड नलिकाओं के माध्यम से, कैसे, नलिकाओं के माध्यम से अपने सिक्रेशन को टारगेट ऑर्गन तक भेजती है, जैसे टारगेट ऑर्गन दोस्तों यहां पर भेज देती है। ये ग्लैंड थी, इसने क्या किया, अपने सिक्रेशन को कहां भेजा, टारगेट ऑर्गन तक थ्रू द डक्ट। दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अगर हम बात करें एक्सोक्राइन की या इंडोक्राइन की, तो दोस्तों यहां पर देखिए क्या होता है, इनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, हार्मोन सिक्रेशन। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, क्लियर। और हार्मोन कम मात्रा में निकलता दोस्तों, मात्रा बहुत कम होती है, प्रभाव इसका बहुत तेज होता है, प्रभाव बहुत शीघ्र दोस्तों, प्रभाव इसका शीघ्र होता है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं दोस्तों। और यहां अगर हम देखें दोस्तों, ये क्या करती हैं, हार्मोन के अतिरिक्त सभी का स्राव करती है, यानी ये हार्मोन का स्राव नहीं करेंगी, बाकी सबका स्राव करती है दोस्तों। और स्राव कितना होता है, अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में इनका सिक्रेशन होता है। और कहेंगे दोस्तों प्रभाव क्या होता है, प्रभाव कम होता है, सिक्रेशन अधिक मात्रा में होता है। और यहां कहेंगे हार्मोन और एंजाइम ये दोनों को सिक्रेट करता है, तभी इसको हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड। अगर दोस्तों यहां पर बात करें कि प्रकार कौन कौन सा है इनका, ये कौन कौन सी होती है, तो आप देखिए यहां पर बहुत समय न लेते हुए तुरंत हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हम जैसे कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड, यहां अगर बात करें तो हम कहेंगे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, दोस्तों कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और कहेंगे एडिनल ग्लैंड और ओवरी, टेस्टिस। तो दोस्तों इसके बारे में हम ये सब बोल सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसके बाद देखिए, यहां अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे सलेबरी ग्लैंड होती है दोस्तों। सलेबरी ग्लैंड के साथ साथ आप देखिए मेमोरी ग्लैंड होती है, सिबेसियन ग्लैंड दोस्तों होती है। तो बहुत सी ऐसी ग्रंथियां होती जो इसमें शामिल हैं, और यहां पर पैंक्रियाज को हम शामिल करते हैं, यहां हम शामिल करते दोस्तों पैंक्रियाज को, मतलब अग्नाशय को हम शामिल करते हैं मिक्स ग्लैंड में, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉमन बात है जो आपसे मैं कर रहा हूं, अभी ये हम लोग केवल कॉमन बातचीत कर रहे हैं, अभी दोस्तों कोई गंभीरतापूर्ण विषय इसमें नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर गंभीरतापूर्ण विषय पर भी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जैसे आप देखिए
कि अगर हम बात करें यहां पर कि कौन कौन सी जो ग्रंथियां होती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, दोस्तों अगर बात करें यहां पर कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, इंडो क्राइन ग्लैंड, देखिए तो दोस्तों हम कह देते हैं यहां पर बोल देते हैं कि जो हमारा हेड है दोस्तों, सर है, सर में कितनी होती हैं, हाइपोथैलेमस दोस्तों, और हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों, और हम क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड बोल देते हैं, और हम क्या बोलते हैं दोस्तों, और पीनियल ग्लैंड बोल देते हैं। और अगर हम देखिए आगे बढ़े दोस्तों, हम बात करेंगे यहां पर थ्रोट में, यानी हमारे गले में दोस्तों कौन कौन सी होती हैं, तो आप देखेंगे पैराथायरॉइड दोस्तों, यहां पर दो देखेंगे आप, थायरॉइड और पैराथायरॉइड दोस्तों। अगर हम देखें यहां पर थोरेक्स में, यानी कि देखिए अगर वक्ष में दोस्तों, तो कौन सी होती है दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे थाइमस ग्रंथि कहां होती है, हमारे वक्ष में होती है। थाइमस ग्लैंड दोस्तों कहां होती है, हमारे वक्ष में होती है। और दोस्तों अगर हम देखें एब्डोमेन में कौन सी दोस्तों होती है, यहां दो ग्लैंड होती है, देखिए एक होती है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको आप नाम देते हो अधिवृक्क ग्रंथि, और दोस्तों एक को आप कहते हैं अंडाशय यानी ओवरी, दोस्तों ओवरी होती है। अब यहां देखिए आप कितनी ग्लैंड हो गई, 3 और 3 6 2 8 दोस्तों, और कहते हैं आउट ऑफ एब्डोमेन दोस्तों एक होती है टेस्टिस, और ये कितनी होती है, ये मेल में होती है दोस्तों। तो ओवरी किस में होती है, फीमेल में होती है, और टेस्टिस किस में होता है, मेल में होता है। यहां कुल कितनी इंडोक्राइन ग्लैंड आप देख रहे हैं, कुल 9 होती हैं, और कहते हैं मेल में कितनी, तो मेल में दोस्तों 8, और फीमेल दोस्तों कितनी होती है, तो 8 होती है। अगर यहां पर हम बातचीत करें आप सभी से एक्सोक्राइन ग्लैंड की, दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड कितनी होती हैं, तो यहां पर आप देखिए एक होती है स्वीट ग्लैंड तो जिसको आप कहते हैं पसीने की ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां दोस्तों। और देखिए उसके बाद क्या होती है, सीबेसियस ग्लैंड होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्या होती है, यहां पर कहेंगे सलेवरी ग्लैंड होती है, वो भी इसी में शामिल है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर कहेंगे मिक्स क्या होती है, और हाँ एक और कर देंगे आप यहां अगर, तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, मेमोरी ग्लैंड और ये एक्सोक्राइन दोस्तों, और ये क्या हो गया एंडोक्राइन, और इन दोनों के बीच में जो होता है वो पैंक्रियाज को हम शामिल कर देते हैं। अब अगर दोस्तों यहां पर बात करें कुछ स्पेशल ऑर्गन जो होते हैं हमारे अंदर, जैसे हम कहते हैं कि शरीर में कुछ ऑर्गन ऐसे हैं दोस्तों जो एंडोक्राइन ऑर्गन कहे जाते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे ओवरी की, तो दोस्तों जो ओवरी है ये ऑर्गन भी है, क्योंकि दोस्तों ओवा का निर्माण करता है और हार्मोन बनाता है। जैसे हम कहेंगे कि शरीर में नोट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो इंडोक्राइन ऑर्गन कहलाते हैं, तो भाई हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इंडोक्राइन ऑर्गन कहलाते हैं। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो बहुत ध्यान से आप समझिए, यानी ये हार्मोन भी निकाल लेंगे और अन्य फंक्शन भी करते हैं। जैसे अगर हम यहां कहें टेस्टिस, तो दोस्तों टेस्टिस की अगर बात करी जाए तो आप देखिए ये स्पर्म का फॉर्मेशन भी करता है, और दोस्तों यहां से हार्मोन भी निकलता है, ये दोनों फंक्शन कर रहा है दोस्तों। और अगर हम यहां बात करें ओवरी की, तो आप जानते हैं ओवरी का मतलब अंडाशय होता है दोस्तों, अंडाशय क्या करता है, ये यहां से ओवम भी निकलता है, प्लस ये हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। आप देखेंगे प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा दोस्तों फीमेल ऑर्गन होता है, ये क्या करता है दोस्तों, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, यानी भ्रूण को पोषण देता है, एम्ब्रियो को भ्रूण को पोषण देता है,
एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है और साथ ही साथ कुछ सेक्स हार्मोन भी निकालता है दोस्तों। यानी ये ऐसे ऑर्गन है, और यहाँ पर इंटेस्टाइन भी आप बोल सकते हैं, जो इंटेस्टाइन होता है यानी हमारी जो आंतें होती हैं इंटेस्टाइन, ये एंजाइम निकालेंगी। और दोस्तों एंजाइम क्या करेंगे, फूड डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ क्या होता है, जो इनकी म्यूकोसा लेयर होती है वहां से कुछ हार्मोन भी निकल जाते हैं। तो यहां कुछ ऐसे हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन है जो इंडोक्राइन ऑर्गन कहलाते हैं। आपके सामने मैंने सारे पॉइंट्स को दिखा दिया है। अब दोस्तों कुछ विशेष पॉइंट यहां पर जानना रहेगा आपके लिए। जैसे कि हम जानते हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है, क्वेश्चन आपसे बनेगा कि फादर आप इंडोक्राइन सिस्टम कौन है, तो इस पर हम विशेष बातचीत करेंगे आप सभी के साथ। दोस्तों यहां पर अगर हम देखें तो इंडोक्राइन सिस्टम, दोस्तों यहां देखिए जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, उसमें हम पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है दोस्तों, यहां से सिक्रीट होता है हार्मोन नामक एक केमिकल। और हार्मोन अगर हम देखें दोस्तों, जो हार्मोन है वो ग्रीक भाषा की हार्मीन से बना हुआ है, ग्रीक भाषा के हार्मीन से आया हुआ है। और अगर आप हार्मीन का अर्थ समझेंगे तो कहता है टू स्टिमुलेट आर एक्साइट। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का मतलब होता है शरीर में उत्तेजना करने वाले, उत्तेजना उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर उत्तेजना उत्पन्न करने वाले रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि तो इसका शाब्दिक अर्थ भी यही कह रहा है। अब देखिए यहां से कुछ पॉइंट बनते हैं। जैसे अगर इसको हम केमिकल बोल रहे हैं तो सबसे पहले हार्मोन को केमिकल मैसेंजर किसने कहा, या फिर हार्मोन को इंट्रा सेलुलर केमिकल मैसेंजर नाम किस वैज्ञानिक ने दिया हुआ है। ये दोस्तों सबसे पहले हार्मोन की खोज किसने की है, पहला रिकॉग्नाइज दोस्तों हार्मोन कौन सा, यानी पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है और उस हार्मोन को नाम किसने दिया है, यह क्वेश्चन बनता है। अर्लियर खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, मैंने कुछ तो पॉइंट आप सभी के लिए यहां पर पहले से मेंटेन किए हुए हैं ताकि दोस्तों कम समय में चीजों को हम लोग बहुत आसानी से समझ लें। देखिए दोस्तों यहां पर हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम ये कहलाती क्या है दोस्तों, कहते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। देखिए, और फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी यानी कि यहां पर कहेंगे अंतरस्रावी तंत्र के जनक कौन है, तो आप जानते रहिए थॉमस एडिसन सर है। और इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, तो यहां पर रहेगा हार्मोन, या हम यहां पर बोल देंगे डक्टलेस ग्लैंड। और यहां पर क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है किस चीज को, एक ऐसे केमिकल को जिसको हम नाम देते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, हम हार्मोन नाम देते हैं। और दोस्तों देखिए, नेम हार्मोन गिवन बाय, सबसे पहले हार्मोन नाम किसके द्वारा दिया गया, यानी हार्मोन नाम किसने दिया, तो आपने सुना होगा उस वैज्ञानिक का नाम दोस्तों कहते हैं स्टार्लिंग। और फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, तो दोस्तों सिक्रेटिन इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड हार्मोन। सिक्रेटिन यानी सिक्रेटिन नाम किसने दिया है, तो हम कहते हैं यहां पर स्टार्लिंग और बेलिस ने सबसे पहले नाम दिया यहां पर क्या, सिक्रेटिन। और अगर यहां दोस्तों बात करें अर्लियर किस हार्मोन की खोज हुई,
तो सबसे बाद में खोजा गया हार्मोन, खोजा गया हार्मोन तो दोस्तों क्या है ये, इसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन अगर यहां पर चर्चा हम करें आप सभी से कि इंसुलिन की खोज किसने की है, तो आप दोस्तों कहेंगे बैटिंग और बेस्ट, बैटिंग एंड बेस्ट। तो बैटिंग और बेस्ट ने दोस्तों क्या किया है, यहां पर आप कहेंगे कि हार्मोन की दोस्तों खोज की है किसने, बैटिंग और बेस्ट ने। तो बैटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज की है, और यह खोज सबसे पहले कहां की गई थी, तो डहेलिया नामक पौधों की जड़ों में। और इसी इंसुलिन में क्या होता है, जिंक होता है, जस्ता होता है। आप जानते दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। ये सारे दोस्तों यहां पर फैक्ट वाले पॉइंट हैं। अगर हम आगे बढ़े तो आगे आप देखिए इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर, यानी कि इन हार्मोन को सबसे पहले इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर किसने कहा है, तो दोस्तों ये नाम दिया हुआ है, ये कहा है हक्सले ने। तो सबसे पहले हक्सले नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला इसको, इसको बोला है इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर, इंट्रासेलुलर केमिकल मैसेंजर। दोस्तों अमाउंट ऑफ हार्मोन बहुत कम, दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में स्टोर नहीं होते आप हार्मोन के बारे में। एक बात तो कह सकते हैं कि हार्मोन जो होते हैं वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, और ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी पानी में, जल में घुल जाते हैं, और दोस्तों ये क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं आप इनको कर सकते। और एक बात इनके विषय में और हम बोलेंगे, जितने भी हार्मोन होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, यूज के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो हार्मोन होते हैं दोस्तों यूज के बाद क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और हार्मोन नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि ये डेड होने के बाद फिर इनको न्यूट्रिशन मिलेगा और ये फंक्शन करना शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इनके विषय में हम कहेंगे कि ये नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, यानी दोस्तों कह सकते हैं इनके विषय में कि यह पोषण लेकर के दोबारा कार्य नहीं कर सकते हैं, और शरीर में अगर ये इनका हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, हाइपो इन द सेंस कि अगर ये कम निकल रहे हैं तब भी ये हानिकारक हैं, और हाइपर दोनों सिक्रेशन हार्मफुल होता है, यानी अगर ये कम मात्रा में निकल रहे हैं तब भी हमारे लिए हार्मफुल है, और अगर ये अधिक मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं तब भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में ये हमारे लिए घातक है, ठीक है। और अगर दोस्तों इनका बैलेंस जो है बिल्कुल सही है तो हमारी बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर आप जानेंगे कि ऑटोक्राइन हार्मोन होता है, और पैराक्राइन हार्मोन होता है, और इंडोक्राइन हार्मोन होता है। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा सारे पॉइंट्स को तो आपको जरूर पता होगा कि ऑटोक्राइन हार्मोन किसे कहते हैं, या फिर पैराक्राइन हार्मोन किसे कहते हैं, या फिर यहां पर इंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं। स्पेशली जो भी हम यहां पर पढ़ेंगे वो इंडोक्राइन हार्मोन ही होगा, फिर भी आइए एक बार समझते हैं कि पैराक्राइन हार्मोन क्या होता है, या एक्सोक्राइन दोस्तों क्या होता है। टाइप ऑफ हार्मोन, टाइप ऑफ हार्मोन, अगर हार्मोन के प्रकार की बात करी जाए, टाइप ऑफ हार्मोन, तो हार्मोन कितने प्रकार का होता है, देखिए दोस्तों हार्मोन कितने प्रकार का होता है, यहां हम कह सकते हैं जो हार्मोन होता है वो तीन प्रकार का दोस्तों होता है। हार्मोन कितना होता है, तीन प्रकार का होता है। एक यहां कहेंगे ऑटोक्राइन हार्मोन, ऑटोक्राइन हार्मोन, एक पैराक्राइन हार्मोन, पैरा क्राइन हार्मोन, और एक दोस्तों कहेंगे यहां पर, एक यहां पर कहेंगे एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन। तो हार्मोन तीन प्रकार का होता है, एंडोक्राइन हार्मोन। यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं
हार्मोन तीन तरीके का होता है, तीन प्रकार का होता है। अगर इसको आप और भी आसानी समझेंगे दोस्तों, तो आइए इसको हम और भी आसानी के साथ समझने की यहां पर कोशिश करें। जैसे समझिए दोस्तों, आपकी बॉडी की एक सेल ये हो गई, ये हो गई दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये बीच में दोस्तों क्या हो गए, न्यूक्लियस हो गए। अब हम इस हार्मोन के विषय में बात कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर पहली बात हम किसकी बात करेंगे, ऑटोक्राइन हार्मोन की। दोस्तों यहां से हार्मोन सिक्रीट हुआ, जिस सेल से सिक्रीट हुआ उसी सेल पर फंक्शन करना शुरू कर दिया, जिस सेल से सिक्रीट हुआ उसी सेल पर फंक्शन करना शुरू कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन बोलते हैं। तो जिस सेल से निकलते हैं उसी सेल पर फंक्शन अपना शुरू कर देते हैं दोस्तों, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कौन सा हार्मोन, इनको हम कहते हैं ऑटोक्राइन हार्मोन दोस्तों। और देखिए, जो पैराक्राइन होता है किसी अन्य सेल से निकलेगा और पड़ोसी सेल पर, नाइबर सेल पर फंक्शन शुरू कर देगा, पड़ोसी कोशिका पर फंक्शन अपना शुरू कर देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैराक्राइन हार्मोन। बहुत ही आसान है इसको समझना। और अगर हम यहां बात करें आप सभी से एंडोक्राइन हार्मोन की दोस्तों, तो ऐसा हार्मोन है जो किसी अन्य सेल से सिक्रीट होता है और दूर कहीं किसी सेल पर फंक्शन करता है, दूर कहीं किसी सेल पर फंक्शन करता है। और यह सेल तक कैसे पहुंचता है, सेल तक पहुंचने के लिए यह ब्लड वेसल्स का, किसका, ब्लड वेसल्स का दोस्तों सपोर्ट लेता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के द्वारा ये किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा। यहां देखिए ये ब्लड वेसल्स, समझिए ये ब्लड वेसल्स है। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये हार्मोन ब्लड वेसल्स के द्वारा ये बिल्कुल यहां से निकल करके, यहां से निकल करके किसी दूर कहीं सेल में जाकर के अपना प्रोसेस करता है, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन इसे हम कहते हैं। और बाकी देखिए यहां पर दो हार्मोन दोस्तों, दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं लोकल हार्मोन, दोनों लोकल हार्मोन कहे जाते हैं, लोकल हार्मोन कहे जाते हैं, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि जिस सेल से निकलेगा ऑटोक्राइन उसी सेल पर फंक्शन करता है, यहां जो पैराक्राइन होता है किसी अन्य सेल से निकलेगा और पड़ोसी वाली सेल पर फंक्शन करेगा, और यहां जो इंडोक्राइन होता है वह जिस सेल से निकलेगा फिर ब्लड वेसल्स में जाएगा और दूर किसी सेल पर दोस्तों फंक्शन करता है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट करता हुआ किसी दूर सेल पर अपना फंक्शन शुरू कर देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह देते हैं इंडोक्राइन, इंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं। तो यहां मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको, ये पॉइंट भी अच्छे समझ में आया होगा कि क्या होता है इंडोक्राइन दोस्तों, क्या होता है पैराक्राइन। अब यहां पर देखिए एक बेसिक चीज और है दोस्तों, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, बस केवल आप सभी से बातचीत करूंगा। जैसे क्वेश्चन ये बनता है कि डिफरेंट बिटवीन बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम, डिफरेंट बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम, हार्मोन एंड एंजाइम, हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंट है, हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंट होता है दोस्तों। अगर हम इन दोनों के अंदर डिफरेंट देखेंगे, एंजाइम और हार्मोन का अंतर देखेंगे, तो एक तरफ लिख दे रहे हैं यहां पर हार्मोन और एक तरफ लिख दे रहे हैं दोस्तों यहां पर एंजाइम, एक तरफ यहां पर एंजाइम, एंजाइम। तो फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंट होता है दोस्तों। हम कहते हैं जो हार्मोन होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं दोस्तों, कहते हैं कि जो हार्मोन होते हैं सिक्रीट बाय इंडोक्राइन ग्लैंड, और दोस्तों इसे कहेंगे सिक्रीट एंड प्रोड्यूस्ड एनी सेल ऑफ द बॉडी, एनी सेल ऑफ बॉडी।
जो एंजाइम होते हैं वो बॉडी की किसी भी सेल से निकल सकते हैं, किसी भी सेल से सिक्रीट हो सकते हैं, किसी भी सेल से बन सकते हैं, लेकिन जो हार्मोन होते हैं दोस्तों केवल एंडोक्राइन सेल से या एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं। यहां पर कहेंगे जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन आर केमिकली प्रोटीन आर एमिनो एसिड आर स्टेरॉइड। दोस्तों कहते हैं यहां पर कि हार्मोन आर केमिकली केमिकली प्रोटीन या कहेंगे एमिनो एसिड, क्योंकि ये एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, या फिर स्टेरॉइड और यानी जो हार्मोन होते हैं या फिर वो प्रोटीन हो सकते हैं या एमिनो एसिड हो सकते हैं या स्टेरॉइड हो सकते हैं। बट अगर दोस्तों बात करें एंजाइम की, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम आर ऑलवेज प्रोटीन, कहेंगे कि एंजाइम सदैव क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम हमेशा, एंजाइम आर ऑलवेज प्रोटीन, दोस्तों एंजाइम हमेशा सदैव प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हमेशा क्या होते हैं, जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन, बट यहां पर एक राइबोजाइम होता है, यहां पर उसको हम कहेंगे दोस्तों एक्सेप्ट, कहेंगे एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम। चूंकि दोस्तों ये कैसे बनता है, ये आरएनए का बनता है दोस्तों, ये प्रोटीन का नहीं बनता, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि यह जो है प्रोटीन से निर्मित नहीं है, आरएनए से बना होता है। और हार्मोन कभी भी दोस्तों, हार्मोन कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेता है दोस्तों। हार्मोन कभी भी जीन को एक्टिवेट, केवल जीन को एक्टिवेट करता है, कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के निर्माण में भाग नहीं लेता है। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम डायरेक्ट रिएक्शन में भाग लेते हैं। जैसे दोस्तों हम कहेंगे जो कैटालिस्ट होती है, तो इस क्रिया में, कैटालिस्ट के प्रोसेस में भी आप देखिए जो एंजाइम होता है वो डायरेक्टली परफॉर्म करता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग हार्मोन की, तो हार्मोन कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन में परफॉर्म नहीं करता, कभी भी कार्य नहीं करता है। ये हार्मोन की विशेषता होती है दोस्तों। इतने सारे पॉइंट देखिए अब आप समझ चुके हैं हार्मोन के बारे में, यहां पर हम कुछ और जानेंगे। कुछ का मतलब बस इतना पॉइंट कि इसका केमिकल नेचर क्या होता है, यानी हार्मोन का केमिकल नेचर क्या होता है, यानी ये किस प्रवृत्ति के होते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहां पर डिस्कस करें आप सभी के साथ कि हार्मोन के केमिकल नेचर के बारे में, इनका केमिकल नेचर किस प्रकार का होता है, कैसे ये होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कुछ पॉइंट आपके लिए लिया हुआ है पहले से ही। दोस्तों लिखा गया है कि केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, यानी हार्मोन की रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और हम पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने अभी अभी देखा, हमने अभी अभी ये देखा कि जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, हार्मोन एमिनो एसिड भी हो सकते हैं, और हार्मोन हम यहां पर कहेंगे दोस्तों कि हार्मोन स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। तो यहां पर बिल्कुल हार्मोन तीन प्रकृति, हार्मोन की हार्मोन के तीन केमिकल नेचर होते हैं यहां जो डिस्कस करने जा रहे हैं, एक प्रोटीन नेचर और एक एमिनो एसिड नेचर, और दोस्तों एक क्या होता है, स्टेरॉइड नेचर होता है। अब इसी में बातचीत करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो फैटी एसिड के डेरिवेटिव भी होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कुछ लोकल हार्मोन होते हैं, तो उनके विषय में चर्चा और परिचर्चा आपसे होगी। दोस्तों समय बहुत निकट है, बहुत दिन नहीं रह गई परीक्षा को, तो आपका, आपके पास समय जो है बहुत सीमित है, क्योंकि लोअर बॉटनी, लोअर जूलॉजी, पूरा फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी दोस्तों बहुत कुछ पढ़ना होगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, हम बिल्कुल तैयार हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप एंट्री टीजीटी या पीजीटी बायोलॉजी लिख करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तत्काल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और जो भी प्रोसेस होगा एडमिशन का आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों यहां देखिए, अगर हम बात करें हार्मोन के कितने नेचर होते हैं, तो कहेंगे दोस्तों पहला क्या है, प्रोटीन हार्मोन। कुछ हार्मोन दोस्तों ऐसे होते हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं,
प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, एक होता है एमिनो एसिड व्युत्पन्न, यानी कि दोस्तों एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। एक शॉर्ट पेप्टाइड होता है दोस्तों, एक क्या है लॉन्ग पेप्टाइड होता है, और ये क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन हार्मोन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। यहां देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर एमिनो एसिड व्युत्पन्न यानी कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन दोस्तों, ये कौन कौन से होते हैं, एमिनो एसिड के व्युत्पन्न से बनने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो आप देखिए, पहला हार्मोन कहां से दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन है दोस्तों। पहला क्या है, C4 हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन, और एक है एपिनेफ्रिन और एक नार एपिनेफ्रिन। तो अगर बात करें ये हार्मोन कहां से सिक्रीट होते हैं, तो आप ग्लैंड देखिए, जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये निकलता है थायरॉइड ग्लैंड से। थायरॉइड ग्लैंड के बारे में बोलते हैं कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब दोस्तों क्या है, एपिनेफ्रिन आप जानते हैं, इसको हम एड्रेनलिन भी बोल सकते हैं, और ये कहां से सिक्रीट होते हैं, हमारी अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से। आपको पता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड में दो भाग होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि 80% भाग होता है, और एक एड्रिनल मेडुला जो कि लगभग 20% भाग होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आप जानेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन निकलेगा, और यहां एड्रिनल मेडुला से दोस्तों क्या निकलता है, एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन, दो हार्मोन दोस्तों निकल जाते हैं। और अगर यहां पर बात करें हम शॉर्ट पेप्टाइड्स की, कि शॉर्ट पेप्टाइड्स क्या क्या होते हैं, तो आप जानते हैं वैसोप्रेसिन दोस्तों, जिसको हम पीटोसिन भी दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन कहते हैं, यानी कि एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन कहते हैं, यानी एडीएच कहते हैं। और ये कहां दोस्तों निकलता है, ये निकलता है हाइपोथैलमस से। आपको पता है कि हाइपोथैलमस, जिसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलमस को हम बोलते हैं दोस्तों। वहां से दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन का और एक होता है वैसोप्रेसिन का। और दोनों हार्मोन स्टोर कहां होते हैं, ये होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स की पोस्टीरियर लोब में होते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्या है, MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये दोस्तों। ये कहां होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एंड अब अगर देखें हम लोग लॉन्ग पेप्टाइड दोस्तों, लॉन्ग पेप्टाइड कौन कौन से हैं, तो आप जरा यहां देखिए, पहला कौन दोस्तों, पहला है पैराथायरॉइड हार्मोन दोस्तों। ये कहां से निकलता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। एक दोस्तों क्या है, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से। इंसुलिन हार्मोन दोस्तों आप जानते हैं इंसुलिन के बारे में, ये सबसे अर्लियर खोजा गया हार्मोन है, ये निकलता है हमारी पैंक्रियाज को हम बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, यानी वो एंजाइम और हार्मोन दोनों को सिक्रीट करती है पैंक्रियाज। क्लियर दोस्तों। अगला है एसीटीएच हार्मोन। अगर हम एसीटीएच हार्मोन की बात करें, तो एसीटीएच हार्मोन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन किसको बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं यहां पर, ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से दोस्तों, अग्रपाली से निकलता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां दोस्तों, यहां पर देखिए आप, फिर क्या है ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी प्रोटीनियस नेचर वाला हार्मोन है, जहां पर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दोस्तों। LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये तीनों हार्मोन कहां से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। और फिर देखिए यहां पर दोस्तों, यहीं पर क्या होता है, नंबर सेकंड जो होता है नेचर हार्मोन का, वो क्या है, वो होता है स्टीरॉयड नेचर। यानी दोस्तों स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन कौन कौन से हैं, तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो आप बहुत ध्यान से समझिए। एक यहां पर आपको दिख रहा होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दोस्तों। ये कॉर्टिकॉइड्स कहां से निकलते हैं, हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से। क्या बोलेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दोस्तों ये कहां से निकलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोस्तों ये कहां से निकलते हैं, ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग से। टेस्टोस्टेरॉन दोस्तों ये मेल ग्रोथ हार्मोन है, ये निकलता है टेस्टिस से। और दोस्तों यहां पर क्या बोलेंगे हम लोग, एस्ट्रोजन ये कहां से सीक्रेट होता है,
तो ये निकलता है ओवरी से, और यहां पर प्रोजेस्टेरॉन दोस्तों ये कहां से निकलेगा, ये भी ओवरी से ही सिक्रीट होता है दोस्तों। ये सेकंड हार्मोन था, कहां से निकलता है ओवरी से, ये भी सिक्रीट होता है। और अगर हम इसी में बातचीत करें आप सभी से वसीय अम्ल के व्युत्क्रम के बारे में, यानी वसीय अम्ल के डेरिवेटिव के बारे में, तो वसीय अम्ल के डेरिवेटिव कौन कौन से हार्मोन होते हैं दोस्तों। ये लोकल हार्मोन है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन। और ये कहां से निकलता दोस्तों, ये निकलता है मेल के सीमेन में होता है दोस्तों। कहां होता है ये, होता है मेल के सीमेन में होता है, और इसको लोकल हार्मोन कहते हैं। एक्चुअली इस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो अरेखित पेशियों के संकुचन में जो अरेखित पेशियां होती हैं, उन पेशियों के कंट्रक्शन में, उनके संकुचन में हेल्प करते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं, फैटी एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, फैटी एसिड के व्युत्क्रम से बनते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। लोकल हार्मोन है, मेल सीमेन में होते हैं, और ये क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ही जब दोस्तों क्या होता है संभोग के दौरान जब ये फीमेल के अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं, जो वहां पर फेलोपियन ट्यूब होती है दोस्तों, वहां पर अन्य जो चीजें होती हैं उनको संकुचित करता है, ताकि जो स्पर्म है वो बहुत तेजी के साथ अंदर पहुंच जाए। ताकि दोस्तों जो स्पर्म होता है, जब क्या करेंगी ये, जब जैसे ही अंदर पहुंचता है फीमेल के, तो क्या करेगा दोस्तों, फीमेल के गर्भाशय की जो अरेखित पेशियां होती हैं उनको संकुचित करेगा, और जैसे पेशियां संकुचित होंगी स्पर्म बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। ये फंक्शन किसका होता है, ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का होता है। दोस्तों आज हमने केवल बेसिक बात करी है हार्मोन और ग्लैंड्स के बारे में, इसके बाद हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के विषय में। तो दोस्तों आपके पास शानदार मौका है, यदि आप इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते तो निश्चित तौर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं दोस्तों संस्थान के माध्यम से। आपको जैसे कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई बोर्ड पर, ये बिल्कुल आपको ऐसे ही नोट्स के रूप में मिल जाएगा, नोट्स के फॉर्म में मिल जाएगा, प्लस हिंदी नोट्स और अंग्रेजी नोट्स, ये दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो समस्या होती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के विषय में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको जो क्लास मिलेगी वो ऐसे ही बायलिंगुअल मिलेगी, दोनों भाषाओं में, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तैयारी आपको आपकी जो है अच्छे से हो सके। कभी भी हमें यहाँ ये नहीं सोचना है कि हम किसी से पढ़ रहे हैं, या कभी मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों हमारा ये डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कशन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी तैयारी पूरी ना हो जाए, और जब तक हम एग्जाम को पास करने के लायक ना हो जाए। तो मेरे द्वारा दोस्तों आपको हर संभव प्रयास किया जाएगा, मैं आपको पूरी कोशिश के साथ यहाँ पर आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप हमसे जुड़ने के इच्छुक हो तो निसंदेह आप इस नंबर पर एंट्री टीजीटी आरपीजीटी बायोलॉजी लिख करके इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।